हे एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कैसे वॉल डेकोर को रेडी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को मैंने राउंड कट कर लिया है और उसके बाद कार्डबोर्ड को कवर करेंगे टिश्यू पेपर से। यहाँ पर मैंने ग्लू और वाटर का मिक्सचर लिया है और इसकी हेल्प से हम टिश्यू पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करेंगे। टिश्यू पेपर की हेल्प से कार्डबोर्ड को हम कम्प्लीटली कवर कर देंगे और उसके बाद हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर को क्रश कर दिया है। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, मेरे पास पुरानी बुक थी उसका मैंने इस तरह से पेपर लेके क्रश कर दिया है और उसके बाद जो बटरफ्लाई मैंने ड्रॉ किया था, कट किया था, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे बटरफ्लाई को और उसके बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे वाइट कलर और वाइट कलर के ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गोल्ड कलर। अब यहाँ पर हमने जो कार्डबोर्ड के ऊपर टिश्यू पेपर को स्टिक किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह से आप वाइट कलर ले सकते हो या फिर जेसो ले सकते हो। बेसिकली हमें जो बेस है वो वाइट चाहिए, तो आप जेसो या फिर वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करें। यहाँ पर इस तरह से वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करें। ये जो एम्प्टी बोतल थी मेरे पास उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वाइट कलर। बार कलर ड्राई हो जाए उसके बाद हम इस तरह से कंपास का यूज़ करके मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कलर। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्रीन और गोल्ड कलर का यूज़ किया है। कलर अप्लाई करने के लिए ब्रश का यूज़ किया है और बाद में स्पॉन्ज से डैबिंग किया है, तो इस तरह से ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे। हमने जो कंपास की हेल्प से लाइन ड्रॉ की है तो लाइन की अंदर की साइड है वहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई किया है और बाकी का एरिया है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गोल्ड कलर। कलर को कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। यहाँ पर सेंटर में जो हमने पेपर को क्रश करके जो बटरफ्लाई रेडी किया है वो बटरफ्लाई को हम यहाँ स्टिक कर देंगे सेंटर में, क्योंकि इसको सील करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम वार्निश का यूज़ करेंगे और उसको सील कर देंगे। प्रोजेक्ट को सील करने से जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने पुरानी डायरी का कवर निकाल लिया है और कवर को भी हम यहाँ पर टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर कर देंगे और टिश्यू पेपर के ड्राई हो जाने के बाद अप्लाई करेंगे वाइट कलर।
वाइट कलर ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर यूज़ करिए और इसको डेकोरेट करिए। मेरे पास एक पुरानी डायरी थी तो उसका कवर मैंने निकाल लिया है और उसको मैंने टिश्यू पेपर से कवर कर लिया है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो तो उसमें से कार्डबोर्ड को निकाल लीजिए और उसके बाद टिश्यू पेपर से कवर कर लीजिए। आगे की प्रोसेस सेम है, वो रिपीट कर के बाद यहाँ पर मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है और उसको हम ट्रेस करेंगे इस तरह से कार्बन पेपर की हेल्प से। तो सबसे पहले कार्बन पेपर को प्लेस करें, उसके बाद जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की है वो पेज को यहाँ पर रख दें और उसको सिक्योर कर ले। सबसे पहले देख ले कि आपको कहाँ पर डिज़ाइन प्लेस करनी है और मैंने टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर दिया है। यहाँ पर मैंने ट्रेस करने के लिए इस तरह से येलो कार्बन पेपर का यूज़ किया है तो जो ट्रेसिंग है वो काफ़ी लाइट आती है यहाँ पर। यहाँ पर जो ट्रेसिंग की है उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद हम यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे। ऑल राइट, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हम गोल्ड कलर अप्लाई कर देंगे। चॉक पेन का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो और आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन लीजिए और ट्रेस करिए और इसको यहाँ पर डेकोरेट कर दीजिए। ये काफ़ी इजी है और दिखने में भी अच्छा लगता है, ये ज़रूर ट्राई करिए। अब इसको भी सील करने के लिए हम वार्निश का यूज़ करेंगे और इसको भी हम लॉन्ग लास्टिंग बना देंगे। ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और आइडियाज़ को देखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।